नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे SBI के बारे में। SBI कोरोना काल में एक ऐसे स्कीम को लेकर आया जिससे कोरोना मरीजों को काफी लाभ होने वाला है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के साथ ही राज्यों में अपने अपने स्तर पर कड़ाई करने का फैसला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस नए म्यूटेंट में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम बात कोरोना संक्रमित होने वाले कर ले तो संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में एक दिन में लगभग 1.5 लाख संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। इधर सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की अपील कर रही है। ऐसे में अगर हम कोरोना के इलाज को लेकर परेशान हैं तो भारतीय स्टेट बैंक ने इलाज के खर्च के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है जिसमें आप सिर्फ 156 रुपए में इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक ने इस पॉलिसी का नाम कोरोना पॉलिसी रखा है। ऐसे में आइए हम कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। यह SBI कोरोना रक्षक पॉलिसी एक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। भारतीय स्वास्थ्य बैंक कोविड पॉलिसी बिना किसी मेडिकल टेस्ट के जारी होती है। यहां आपको 100% कवर मिलेगा। कोरोना रक्षक पॉलिसी खरीदने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। कोरोना रक्षक पॉलिसी में न्यूनतम प्रीमियम 156 रुपए और अधिकतम 2230 रुपए का भुगतान किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना रक्षक पॉलिसी में 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन की अवधि निर्धारित की है। पॉलिसी में न्यूनतम 50,000 और अधिकतम 2,50,000 रुपए की कवरी कर सकते हैं। 50,000 रुपए का कवर पाने के लिए 157 रुपए का भुगतान आपको करना होगा। ग्राहक कोरोना पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए 0222759998 पर मिस्ड कॉल देकर इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। SBI कोरोना पॉलिसी की मुख्य विशेषता है कि यह सिंगल प्रीमियम रेंज में दी जाती है। इस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर यानी कि www.sbilife.co.in पर जाकर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही तो वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 1.84 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं जबकि 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों में अब 13 लाख के पार पहुंच गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के दूसरे चरण में भारत तो एकदम से माने कि हिल गया है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये थी कोरोना को लेकर SBI की तरफ से जारी की गई स्कीम के बारे में। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।